6 जून को हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस आप लोग ही बताओ कि नेक्स्ट राइड पे कौन सा बाइक लेके जाना चाहिए, R15 MT KTM एडवेंचर 390 या अब फिर अपना पुराना FZ। आप लोग बोलो लद्दाख और केदारनाथ क्या एक ही साथ मारा जाए कि कहीं और जाया जाए। आसाम से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई आसाम आ जाओ, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। ऐसा अगर कोई भी बाइक आप 2 दिन भी चला लो ना तो उसके साथ एक इमोशन कनेक्ट हो जाता है। जितना भी हमारे मिडिल क्लास भाई लोग है ना जो सेकंड हैंड बाइक वगैरह लेते हैं उनको एक दो जगह से ना बहुत ज्यादा मैं सुना हूँ कि उनको ठग दिया गया है, बाइक भी खराब मिल गया है। तो मैं वही चीज सोच रहा हूँ कि आप लोगों का मेरे को देख लो भाई, इतना मेहनत से कुछ भी करो, इतना मेहनत से आपका पैसा लगा रहा है, ऊपर से बाइक आपको खराब मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो उसके वजह से हमने आपके लिए एक फायदे का बात सोच लिया है कि मैं 10 दिन 5 दिन वो बाइक को चलाऊंगा, मैं एक नया बाइक लूंगा, जो भी आप लोग डिमांड करोगे वो 10 दिन 5 दिन में उस बाइक को चलाऊंगा, उसको ऑब्जर्व करूंगा और जितने में खरीदूंगा ना उतने में भेजूंगा। मेरा इसमें फायदा ये रहेगा कि हमारे चैनल पे ना एक नया गाड़ी का डिलीवरी भी होते रहेगा, प्लस हमारे चैनल पे हर एक बाइक का कैटेगरी का वीडियोस भी आते रहेगा और प्लस इसमें आपका भी फायदा हो जाएगा और आप लोग से एक अच्छा हम लोग का कम्युनिटी बन जाएगा, जो कि हम चाहते हैं कि एक कम्युनिटी बने, सब लोग मिलजुल के रहे, सब लोग मिलजुल के जो है प्रोग्रेस करे, आप लोग का जितना भी ड्रीम है सारा कुछ हम है ना हम बैठे हैं भाई, आपका भाई बैठा है आपका हेल्प करने के लिए। देख पूरा मुंह में मिट्टी उट्टी लगा दिया है ना, मम्मी नीचे चलेगा ना बहुत मारेगा। अलग गाइस अभी ये बाइक जो है ना ये हम जा रहे हैं सुशील भाई का दुकान पे देने के लिए। अभी तक ये हम इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिए हैं, ये अभी हम बीवी ब्लॉग्स वाले चैनल में पोस्ट कर दिया। अगर किसी को MT-15 लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा दिया हुआ है। अभी मेरा घर में ना रखने का जगह नहीं है तो जिसको भी चाहिए हो सकता है आज ही कल में बिक्री हो जाए। ये गाड़ी चलाया हुआ है 19,000 किलोमीटर और काफ़ी ज़्यादा शानदार गाड़ी है। और अभी हम इधर पे आए हैं नानी का अपना दवाई लेने के लिए, तो एक बार दवाई ले लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो गाइस यहाँ से अपना नानी का जो है ना दवाई ले लिए। ओ चाचा। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं सिलीगुड़ी, ये है झनकार मोड़ और यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग चंपासरी के लिए, क्योंकि बाइक को अपना वहीं पे रखना है। और फाइनली डेट अपना कंफर्मेशन हो चुका है, 6 जून को हम लोग निकल रहे हैं लेह लद्दाख केदारनाथ स्पीति। तीनों हो सकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये तीनों हम लोग का टारगेट है। 6 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और कौन कौन जा रहे हैं वो बता दूंगा। सिलीगुड़ी से कोई भी नहीं है, जयगांव से कोई भी नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहे डिमांड रहेगा ना तो भैया हम लोग दोनों जगह एक साथ मार देंगे, ठीक है ना। आप लोग बोलो लद्दाख और केदारनाथ क्या एक ही साथ मारा जाए कि कहीं और जाया जाए। आसाम से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई आसाम आ जाओ, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। आसाम भी आएंगे भैया, आसाम नागालैंड मणिपुर सब जगह हम आएंगे, लेकिन अभी का सीज़न जो है ना भाई, अभी का सीज़न है भाई केदारनाथ और लद्दाख। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरे को क्या करना चाहिए, बाकी ये बस का पीछे हम नहीं रहेगा। ये MT तो भाई क्या भागता है इसकी, तो देख रहे हो 4 गियर में 95 भाग गया। गाड़ी का कंडीशन जो है ना एकदम चुम्बेश्वरी कंडीशन है। हम बोला ना भाई बॉबी वर्मा जो गाड़ी उठाएगा ना वो एकदम देख समझ के उठाता है ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो और जिसको हम ये सोल्ड आउट करें उसको भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भैया बहुत मेहनत का पैसा है सभी का। तो गाइस आप लोग भी बताओ कि नेक्स्ट राइड पे कौन सा बाइक लेके जाना चाहिए, R15 MT KTM एडवेंचर 390 या अब फिर अपना पुराना FZ। और एक बात बताएं भाई सिलीगुड़ी का मौसम जो है ना, मौसम बहुत ज़्यादा खचड़ाई कर रहा है, कभी धूप आ जा रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी देखो एकदम बारिश टाइप का मौसम हो चुका। लॉन्ग राइड का प्लान भी जो आप लोगों को बताया मैं ऑलरेडी, 6 तारीख को डेट फिक्स है और निकलेंगे भैया अपने जगह अपने होम टाउन को रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से। आज कितना, आज 28-29 तारीख हो गया है, 27-28 तारीख हो चुका है और 30 तारीख के बाद ना मेरे ख्याल से ये रोड जो है ना चौड़ा होगा। यहाँ पे जितने भी आपको दुकान वगैरह दिख रहे हैं ना वो सारा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड बड़ा होगा तो ये सब कुछ टूट जाएगा। और जब हम ट्रिप मार के आ जाएंगे, लगभग 1 महीने का ट्रिप है, सब कुछ बता दिया हूँ, बस जगह नहीं बताया हूँ, जगह तो सस्पेंस रखने दो मेरे भाई। तो 1 महीने बाद जब हम ट्रिप से आएंगे ना तो ये सब ऐसा नज़ारा हमें कुछ भी देखने के लिए जो है वो नहीं मिलने वाला। तो देखते हैं कि क्या नज़ारा मिलता है क्या नहीं, और होप कि विश मी लक फिंगर क्रॉस सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो। और भाई भीड़ चेक करो गाइस। ऑलराइट गाइस, तो हमारा घर में ना भैया जगह नहीं है बाइक रखने का, ठीक है ना। तो अभी हम जो भाई से बात हुआ है, अगर अभी तक ऑफर है, ऑफर लागू है, जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा। तो MT-15 आप लोगों ने देखा ही होगा हमारा ब्लॉग में कितना ज़्यादा हम बढ़िया से चला रहे थे, गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,35,000 किसी को चाहिए तो आके ले जाना सुशील भाई के पास से, और मेरा नाम लीजिएगा तभी वो बाइक उतना में देगा, नहीं तो भाई वो बढ़ा लेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लिया था
135,000 में ये बाइक, और आपको भी 135,000 में दे दूंगा। मेरे को मेरा एक ही फायदा है कि हमको कुछ दिन चलाने का मौका मिल गया, और आपको एक सर्टिफाइड वाला, मतलब हम चलाएं उसको तो समझ लो बाइक अच्छा ही होगा, तो वो मिल जाएगा। अपना गाड़ी बिक्री हो गया यहाँ पे गाइस, अभी अभी लिया था 10-15 दिन पहले, और अभी बेचना भी पड़ गया। कोई बात नहीं है, होते रहता है। अभी अपना चैनल में और एक नया गाड़ी आएगा। यहाँ पे देख रहे हो गाइस, यहाँ पे अपना MT15 है, ठीक है ना, काफी अच्छा है, इसने साथ दिया। लगभग एक महीने से हम चला रहे थे, दिल के एकदम करीब करीब हो चुका था, लेकिन बोलता है ना पराया धन है, ये पराया धन था कुछ दिनों के लिए अपने पास। अभी हम इसको सेल आउट कर लिए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी खरीदने के टाइम में ही सोच के रखे थे कि भैया हम एक महीना जैसे चलाएंगे और फिर बेच देंगे कंटेंट के लिए, मतलब हमने अपना पैसा लगाए थे। अभी हो चुका है इतना, इसका एमटी से बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने बना लिया। अभी इस MT15 को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। ऐसा अगर कोई भी बाइक आप अगर आप 2 दिन भी चला लो ना, तो उसके साथ एक इमोशन कनेक्ट हो जाता है, तो इसके साथ तो लगभग एक महीना से हम थे, इसको मिस करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। बाकी आज का वीडियो थोड़ा सा सैड एंडिंग हो रहा है। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट बाइक हम लोग कौन सा लें। मिलते हैं किसी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट से, दिस इज बॉबी ब्लॉग साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।